कोविड-19 नाल आज सारा देश लड़ रहा है, पर चेते रखो सानू बीमारी नाल लड़ना है, बीमार नाल नहीं। उना नाल भेदभाव ना करो, उना दी देखभाल करो, अते इस बीमारी तो बचन लई साड़ी जड़ी टाल है, जिवें साड़े डॉक्टर, सेहत कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। दिन सारे बड़े हैं और लंबी काफी रात है, कतरा कतरा अकेलों का सब कैदी में आजाद है। नमस्कार। तो 2019 जाते जाते हमें आखिरी दिन पर 31 दिसंबर को कोरोना वायरस केस की पहली रिपोर्ट दे गया। ये वीडियो में इकोनॉमिक गेन या लॉस के बारे में बात करने के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को सही या गलत बताने के लिए नहीं बना रहा, और ना ही इस बात के लिए कि आगे क्या होगा, क्या होना चाहिए। ये वीडियो में अपने जज्बात बयां करने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त ऐसा वक्त है जो मुझे नहीं लगता कि 7 बिलियन जो कि इस दुनिया की पॉपुलेशन है उसमें से किसी भी इंसान ने ये वक्त कभी भी एक्सपीरियंस करा होगा। तो मैंने एक पोइट्री लिखी है जिसका टाइटल है कि सब कैदी में आज़ाद हैं, और इसमें मैं कोशिश करता हूँ बताने की कि क्या मैंने महसूस करा पिछले 2 महीनों में और क्या मेरे दोस्तों ने महसूस करा। पर मैं ये बात नहीं समझ पाया कि उस इंसान को कैसा लगता होगा जिसको ये बीमारी कोविड-19 हो जाती है, जाने में या अनजाने में, और फिर वो ठीक भी हो जाता है, मगर हमारी सोसाइटी उसको किस नज़रिए से देखती है, उस पर क्या एलिगेशंस लगा देती है बिना समझे उससे, बिना उससे बात करे, और उसको किस तरह से वापस ट्रीट करती है, वो चीज़ मैं समझ नहीं पाया। और वही चीज़ समझने के लिए मेरी बात एक ऐसे इंसान से हुई जिसको ये बीमारी हुई और जो इससे ठीक भी हुआ। सो दिस इज द हाउस एग्जैक्टली वेयर 9 पीपल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। दिस इज समथिंग अराउंड 80 मीटर्स फ्रॉम माई हाउस। नमस्कार अंकल। नमस्कार। पहले तो थैंक यू ये इंटरव्यू देने के लिए। और अंकल आप प्लीज उनको अपना नाम बताएंगे और अपनी कहानी प्लीज बताइए अंकल। मेरा नाम मुनीश महाजन है, महाजन फैमिली सेक्टर 15, मशहूर फैमिली मीडिया ने जो की है। हमें कोरोना वायरस 14 अप्रैल को पता लगा कि हमें कोरोना वायरस है। मेरी सिस्टर पॉजिटिव हुए, पहले 6 सेक्टर हॉस्पिटल लेके गए 14 तारीख को रात को। 15 को हमारा पता लगा कि ये लोग पॉजिटिव हैं। मैं, मेरा ब्रदर, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी बेटी नेगेटिव आई थी। ठीक है। मेरी सिस्टर जीजाई और मेरी सिस्टर की बेटी वो पॉजिटिव आए। 18 मार्च को हम पठानकोट गए थे। 18 मार्च को पठानकोट हम इकट्ठे गए थे। ठीक है। वहाँ हमारे मामा जी की डेथ हो गई थी। ठीक है। तो हमने अप डाउन किया था सेम डे। ठीक है। क्राइम ब्रांच वाला को फोन आया कि आप पठानकोट गए तो वहाँ से ये वायरस आपके बीच में आया। अच्छा, क्राइम ब्रांच वाले ऐसा बोल रहे हैं कि पठानकोट के ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे पता किया कि वहाँ पे जिनके घर में कोरोना है उस फैमिली से वो बंदा क्रिमिनेशन पे आया था। वहाँ क्राइम ब्रांच से भी हमें ये फोन आते थे कि आप ये वहीं से लेके आए हो। फोन आने कब शुरू हुए? ये जिस दिन हम पॉजिटिव हुए क्लियर नहीं हो पाया ये कहाँ से आया वायरस। मतलब जो भी था सारी अफवाहें थी, मनगढ़ंत कहानियां थी, कुछ नहीं पता लगा कि ये वायरस कहां से आया हमारे अंदर। तो अंकल आपको 14 अप्रैल की रात को ये लोग पहले पीजीआई सेक्टर 6 लेके गए? ना ना, पंचकुला गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर 6 पंचकुला वाले। हाँ, रात को 1 बजे हमारे घर आए। अच्छा। ऐसे मतलब कि दिन बताए आना, मतलब बच्चे सोए हुए हैं, बड़ा खौफनाक माहौल। रात को 1 बजे बिन बताए? बिन बताए, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, कपड़ा नहीं लेने दिया, कहते जल्दी चलो बस आपको अभी 6 सेक्टर हॉस्पिटल जाना है। रात को कुछ नहीं किया, अगले दिन 2 बजे हमारा टेस्ट किया और रात को हमारा टेस्ट की रिपोर्ट आ गई 12 बजे। 15 अप्रैल की रात को 12 बजे रिपोर्ट आ गई है कि आप 4 लोग पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। उस मोमेंट में आपको कैसा लगा जब आपको चला पता? थोड़ी घबराहट होती है। हाँ, बाकी तो जो होना था वो तो हम देख ही रहे थे कि हमारी सिस्टर पॉजिटिव है।
जी जी हमारे पॉजिटिव आ चुके थे। हमारी सारी फैमिली में किसी को कोई सिम्टम नहीं था। हमने अपने आप को मजबूत किया हुआ था कि हमने बच्चों को भी बोला हुआ था, लेकिन मेरी बेटी एक अल्ली रह गई, वो डर रही थी थोड़ा सा। 18 लोग थे टोटल हम अपनी फैमिली में, माजन फैमिली जो कह रहे थे, 9 लोग पॉजिटिव 9 नेगेटिव। ठीक है, 9 नेगेटिव आए थे। तो अंकल फिर आपको जब पॉजिटिव आ गया उसके बाद फिर आपको कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट करा और कहां करा? 16 तारीख को सुबह 11 बजे यहां से मौलाना मेडिकल कॉलेज अंबाला भेज दिया। ठीक है अंकल, वहां पे फिर हमें 10 दिन रखा। हमारा 8वें दिन टेस्ट हुआ दोबारा, फिर तो 8वें दिन नेगेटिव आया, फिर 10वें दिन फिर हुआ, फिर वो भी नेगेटिव आया, फिर 11वें दिन हमारी छुट्टी होगी। 11वें दिन आपको छुट्टी दे दी। हमारी फैमिली के बारे में इतनी अफवाहें फैलाई गई कि मेरी सिस्टर के बारे में, मेरे को सुबह बात होती है कि मेरी सिस्टर बिल्कुल ओके है, दोपहर को हमारे घर के आसपास से फोन आना कि तुम्हारी सिस्टर बहुत सीरियस है, वेंटिलेटर पे है, क्या बात होगी, ठीक है कि नहीं है। उसी टाइम वीडियो कॉल करनी है उनको, वो नॉर्मल अपना खाना खुना खा रहे हैं, लोग गलत मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। ये थोड़ा माइंड को स्ट्रॉन्ग करने की बात है कि आपस में पॉजिटिव रहे हम लोग। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग कोरोना से लड़के घर आए हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों ने नो डाउट कि हमारे आने के बाद हमारे साथ बिल्कुल पॉजिटिव व्यवहार किया है। हमारे अच्छी हाँ, हमें ये अच्छा लगा। 14 दिन क्वारंटाइन थे, हम अपने घर से बाहर निकले नहीं। हाँ जी, अच्छा पहले 11 दिन आप हॉस्पिटल में रहे, 14 दिन घर से बाहर ही नहीं निकले हम। ठीक है, हमें कोई जरूरत पड़ती थी तो हमारे मोहल्ले वाले या आस पड़ोस के सोशल वर्कर है हमारे, नितिन कुमार जी है, हमने इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। ठीक है, जैसे राशन की कोई जरूरत है, मेडिसिन की कोई जरूरत है, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी। तो फिर अंकल आपका क्वारंटाइन पूरा हो गया, फिर काम पे आप जैसे वापस आए, उस चीज में आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? सेक्टर खुलते फिर हमने दुकानें खोल ली थी अपनी। हाँ जी, तो यहाँ सही रिस्पांस था, हमारे 80-85 सब मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अंकल ठीक होने के बाद फिर पुलिस ने, डॉक्टर ने भी फॉलो अप लिया आपसे? हमारे पास बाद में डॉक्टर की दो टीमें आई है। अच्छा, एक लोग हमारी इम्यूनिटी चेक करने के लिए आए थे डॉक्टर, इम्यूनिटी टेस्ट डॉक्टर ने बाद में सारे लिए, इम्यूनिटी किट आती है अलग से, उन्होंने हमारे ब्लड सैंपल लेके इम्यूनिटी किट्स में चेक किया हमारा, सारी फैमिली का, मेरी सिस्टर की फैमिली का, हमारी का, जो हमारा एंटी कोरोना हमारी बॉडी एंटीबॉडीज आने चालू हो गई है कि नहीं हुई है। हाँ जी, वो उसके लिए फिर हमें डाइट बता के गए कि आप प्रोटीन ज्यादा लीजिए, सोयाबीन लीजिए, तो एंटीबॉडीज जल्दी बन जाएंगी आपके अंदर। फिर उसके बाद फिर एक टीम आई डॉक्टर्स की, जो हमारे सारे आस पड़ोस में जो नेगेटिविटी थी उसको खत्म करने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको, कोई परेशानी पड़ोसियों से या अपने आप से, आपको कोई गिल्टी महसूस हो रही हो कि आपको ये हो गया, आपको नींद नहीं आ रही हो, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखा हुआ। उन्होंने हमसे ये पूछा कि आपके बच्चों से व्यवहार ठीक कर रहे हैं सब? कोई बच्चों से ऐसा तो नहीं कर रहा कि परहेज कर रहा है कोई, कि इनके पास नहीं जाना है या इनसे बात नहीं करनी है? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मोहल्ले वालों ने सबने पॉजिटिविटी दिखाई है, आपके नेबरहुड ने पूरा सपोर्ट, सारा सपोर्ट किया है जी उन्होंने। बहुत अच्छी बात। एक बार तो डर जाते, जब हम पॉजिटिव आए थे तो डर गए थे। देखो हर बंदा है, आप भी हो मैं भी हूँ, अपनी अपनी राय तो रखता है हर आदमी। बिल्कुल, डर भी जाते हैं बिल्कुल, लेकिन जब हम आए हैं तो उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई है, कोई ऐसी बात नहीं, किसी ने कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं किया, सब मिल रहे हैं, सब आप पहले जैसा ही रूटीन है, कोई ऐसी बात नहीं। किसी भी तरह की कोई बात फैलाने की कहीं पे जरूरत नहीं है, जिसके बारे में बात फैलाते हो उनसे बात कर लिया करो एक बार, पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद बिल्कुल आपको मतलब लगता है कि हाँ ये चीज है, तब आगे कोई बात करनी चाहिए। बिल्कुल, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए कभी भी। बिल्कुल, जब हम लोग आए तो हमें सब पॉजिटिव नजर आया, कुछ नहीं। ये बहुत अच्छी बात है अंकल। हाँ। और सारे नेबरहुड को, हर इंसान को जो उसके आसपास किसी को भी ये बीमारी हो जाती है, बीमारी कोई नहीं कहता कि हमारे अंदर आए, ये तो जिसके अंदर बाई चांस है कि आ गई है तो उसको गलती नहीं है, हमें फोकस उसको लिए और हमें अपने आप को चैलेंज है कि हमने इसको ठीक करना है। तो थैंक यू सो मच अंकल, आपकी मदद की वजह से काफी लोग जान पाएंगे कि ये नॉर्मल बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। यंगस्टर्स को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। ये इम्यूनिटी, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोरोना आपका कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, बस ये चीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जोर दी करो तालियां। दिन सारे बड़े हैं और लंबी काफी रात है, कतरा कतरा अकेलों का, सब कैदी में आजाद है। मयसर है सभी,
बतियाते सुबह शाम है, मयसर माने अवेलेबल कि मयसर है सभी, बतियाते सुबह शाम है, पर मिलने के इंतजार में बैठा सारा हिंदुस्तान है। हालात ये ऐसे जिंदा हैं जो ख्याल कभी भी बन ना सके, हालात ये ऐसे जिंदा हैं जो ख्याल कभी भी बन ना सके, ये शब्द मेरे तुम गा लेना अगर चाह कर भी हम मिल ना सके। नसीब है अगर रोटी है, नसीब है अगर रोजी है, और नसीब है अगर ये नहीं जानते कि क्या है आखिर, खाली पेट सोना, घर से दूर होना, ये बीमारी होना या अपनों का खोना। सर पैर दिल खुल सलाम है जिनकी शिद्दत हम पर मेहरबान है, एवरी डॉक्टर एवरी नर्स एवरी पुलिस ऑफिसर एवरी ह्यूमन इनफैक्ट हु इज फाइटिंग अगेंस्ट दिस डिसीज। कि सर पैर दिल खुल सलाम है जिनकी शिद्दत हम पर मेहरबान है, कद्र क्यों नहीं होती उनकी, आखिर वो भी तो इंसान है। अब फर्क नहीं है आज और कल में, क्या मंगल रविवार है, शनिवार रात फिर आएगी, फिर रोना हर सोमवार है। और जब है मालूम कि होना क्या है, फिर काहे तू परेशान है, फिर बदलेगा फिर से सब कुछ, इसी का नाम संसार है। और पल बीतेगा ये पल भर में, फिर आनी इसकी याद है, कतरा कतरा अकेलों का सब कैदी में आजाद है। हर इंसान के लिए इंसान की तरफ से ईशान। हर इंसान के लिए इंसान की तरफ से।